बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अधिक बारिश के कारण अनेकों जगहों पर फसल बर्बाद हुई है और लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने जिलों में जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एक एक चीज का आकलन किया जाएगा। नहीं, आज तो हम फिर उस दिन बताई थे आपको कि और भी कुछ जिलों को जाकर के देखेंगे। जब उस दिन हम देखने गए थे तो आज भी जाकर के हम देख लियो किशनगंज का, तो आप कई जिलों का हमने देख लिया। किशनगंज है, पूर्णिया, अररिया, आपका इसका सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, कई जगहों से होते हुए हम लोग देख लिए। और जिसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली थी कि किस जगह पर फसल क्षति का हुआ, सबको एरियली देखते हुए हम लोग आ गए हैं और अभी उसके लिए मीटिंग भी रखे हैं। जिस जगह पर देख चुके हैं वहाँ भी और बाकी जगह का भी, जहाँ कहीं का भी रिपोर्ट है तो हम लोगों ने तो मांगा ही है कि जो पहले का जितना हो चुका है उसके बारे में पूरा अध्ययन और सब जगह की खबर है। लेकिन बाद में भी जो वर्षापात हो गया और जिसके चलते अनेक जगहों पर फसल को नुकसान पहुंचा, तो उसके बारे में पूरा का पूरा आकलन कर लेना चाहिए ताकि उन लोगों को भी उन लोग सहायता मिले। तो हमारा पर्पस वही है, पहले पूरा देखा जा चुका था, जो बच गया अभी लास्ट में जहां पर कुछ क्षति हुई है उन सब जगहों का भी हम लोग चाहते हैं कि वहाँ का पूरा आकलन करके उनको जो सहायता देनी है, जो सरकार का नियम है उसके मुताबिक समय पूरे तौर पर सहायता। सर, सहायता की मांग एक और भी है सर। भागलपुर के एक आदमी की हत्या हो गई कश्मीर में सर, आतंकवादियों की गोली से। सर, भागलपुर निरंजन पासवान उनका नाम। आज की कोई घटना? परसों की है, लाल बाजार में गोली चली। देखते हैं, पता करवा, गैर कश्मीरियों को वहाँ मारा जा रहा है, आज की हत्या हुई है सर, आज पता करवा। ठीक सर, महागठबंधन में इस बार टूट दिख रही है सर, उपचुनाव में क्या उम्मीद है सर? क्योंकि तो आप लोग ने एनालिसिस करें। सीएम नीतीश ने कहा कि पहले से जो प्रभावित इलाके हैं उसके अलावा जो अब प्रभावित हुए हैं वहां के लोगों की राहत और सहायता के लिए सब तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर शुरू से सरकार राहत के लिए काम कर रही है। अब माना जा रहा है कि वर्षा की स्थिति घटेगी, लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो लोगों की सहायता की जाएगी। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।